अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। सलाम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। शेफ, मेरा सवाल ये है, अगर किसी के पास कुछ बहुत बड़ा उजर हो, वो हज को जाना चाहता है मगर जा नहीं पाता, तो वो दूसरों को भेज सकता है कि अपने पैसों से हज के लिए, उसका सवाब उसको मिल सकता है क्या? जी देखिए, उज्र जो है, एक उज्र तो ये हो सकता है कि वो जिस्मानी एतबार से फिट नहीं है, बीमार है। एक उज्र ये हो सकता है, मान लीजिए पैसे वाला तो है, पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन वो उसकी सेहत की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो सफर करके जा सके। एक उज्र तो ये है। जी एक उज्र ये हो सकता है कि पैसा तो उसके पास है, वो खर्च करके जा सकता है, लेकिन रास्ते के हालात पुरअमन नहीं है। जिन रास्तों से उसे गुजरना है वो पुरअमन नहीं है, वहां तक वो नहीं पहुंच सकता है। कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट है रास्ते में जिससे उसको खतरा है। ये दो तरह के उज्र हो सकते हैं उसके पास। अगर बहरहाल अगर उज्र की कोई और शक्ल बनती है और हकीकत में शरान वो मोतबर उज्र है, तो ऐसी सूरत में उसके उज्र का एतबार होगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे आदमी के लिए के ऊपर वाजिब है कि अगर कोई दूसरा आदमी हज करने के लिए मुयस्सर है तो दूसरे आदमी से वो हज करवाए, उसको पैसा दे और उससे हज करवाए। अगर कोई दूसरा आदमी हज करने के लिए मुयस्सर है तो, और जो दूसरा आदमी हज कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि पहले अपनी तरफ से वो हज किया हुआ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। वो सहाबी तल्बिया पुकार रहे थे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा अन सुब्रुमा, कि अल्लाह ताला मैं सुब्रुमा की जानिब से हज कर रहा हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये सुब्रुमा कौन है? तो उन्होंने कहा कि अखुल्ली औ करीबुल्ली, का मेरे भाई है, या उन्होंने कहा मेरे कोई करीबी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या अपनी तरफ से हज कर लिए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुज अन्नफ्सिका सुम्मा खुज अन सुब्रुमा, पहले अपनी तरफ से हज करो फिर सुब्रुमा की तरफ से हज करो। तो खुलासा ये कि अगर किसी के पास माकूल और शरई उज्र है जिसकी बुनियाद पर पैसा होते हुए वो हज को नहीं जा सकता, तो अगर कोई दूसरा ऐसा आदमी मुयस्सर है जो तो उसकी तरफ से हज कर सकता है तो उससे वो हज करवाएगा।